हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट एरो आईबीएन। हम लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो गाइस, ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है ई स्पोर्ट डिबेट का। और नॉर्मल मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरा टॉपिक क्या रहता है? फ्री फायर में गेम प्ले सिखाना, न्यू ट्रिक्स वगैरह बताना। बट क्योंकि यहाँ पे ई स्पोर्ट के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब सीखने वाले ही नहीं होंगे, जब लोगों को ई स्पोर्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो उसको सिखाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ई स्पोर्ट के बारे में सबको जानने के लिए बस आपको ये सारे एपिसोड्स देखने होंगे, और उसके लिए बस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना होगा। तो सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट करिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का टॉपिक होने वाला है ई स्पोर्ट प्लेयर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, या फिर बोले हम कंटेंट क्रिएटर्स। समझ रहे हो? अब सबसे पहला सवाल है, क्या एक सक्सेसफुल ई स्पोर्ट प्लेयर जो टूर्नामेंट्स में खेलता है, वहाँ पे जीतता है और वहाँ से अपने को एक एक्सपोजर देता है, यानी कि अपना एक नाम बनाता है, तो क्या वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता है, यानी कि कंटेंट क्रिएटर बन सकता है? अब यहाँ पे इसको समझने से पहले सबसे पहले ये जानो कि यूट्यूब किस तरीके से वर्क करता है। यूट्यूब पे अगर एक चैनल को हम कंसीडर करेंगे कि ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है और इसकी हेल्थ बढ़िया है, यानी कि ये चैनल अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, वो कब करेगा? जब उस चैनल के पास एक्टिव ऑडियंस होगी। एक्टिव ऑडियंस का मतलब ये नहीं है उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, एक्टिव ऑडियंस का मतलब ये है उसकी हर वीडियोस पे एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं। नहीं समझ में आया? चलो एग्जांपल से समझते हैं। एक है यूट्यूबर ए भाई साहब और दूसरे हैं यूट्यूबर बी भाई साहब। यूट्यूबर ए जो है, ये क्या है, ये धीरे धीरे ग्रो करें, मतलब इनको एक साल लग गया 20,000 सब्सक्राइबर से 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंचने में। अब जाहिर सी बात है कि इसके पास एक्टिव ऑडियंस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारे लोग चैनल्स को देखना बंद कर देते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ है यूट्यूबर बी भाई साहब, इनके साथ क्या होता है कि एक महीने में ये 20,000 सब्सक्राइबर से 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, तो इनके पास एक्टिव ऑडियंस ज़्यादा है, तो ये चैनल ज़्यादा बेटर चलेगा क्योंकि एवरेज व्यूज़ वीडियोज़ पर ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है ई स्पोर्ट प्लेयर्स के साथ इंडिया में। ब्राज़ील की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। ब्राज़ील के ऑफिशियल टूर्नामेंट में वॉचिंग देखे तो 1,000,000 तक वॉचिंग आती है, और इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2,00,000-3,00,000 तक वॉचिंग आ जाती है ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में। और यहाँ पे जब 3,00,000 लोग देखने जा रहे हैं, उसके बाद भी जो प्लेयर जीतता है, जो टीम जीतती है, उसका उतना ज़्यादा नाम क्यों नहीं होता है, लोग उनको क्यों नहीं जानते? उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो वहाँ पे कोर्स और गिव अवे के लिए जाती है। और ब्राज़ील का क्या सीन है, वहाँ पे जो मिलियन ऑडियंस गई है ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो वहाँ पे अपनी फेवरेट टीम को चीयर अप करने जाती है। और इतना ही नहीं, अगर कोई टीम वहाँ पे वो टूर्नामेंट जीतती है तो उस टीम के बारे में लोग यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं, उस टीम के प्लेयर्स के बारे में लोग यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उन प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता है, यानी कि एक पहचान मिलती है, और वो यूट्यूब पे भी ग्रो करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम नोबरू को देख सकते हैं। इंडिया में गैलेक्सी रेसर टीम FFIC जीतती है, अगर वहाँ पे हम देखें तो स्ट्रीम पे हमको मिलियंस में व्यूज़ दिखेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे उस मिलियन व्यूज़ का 10% लोग भी ऐसे हैं जो जानने की कोशिश करते हैं गैलेक्सी रेसर कैसी टीम है, उसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं, या फिर उसमें खेलने वाले प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि GXR वासियो कौन है, GXR बारका बॉय कौन है? नहीं, कोई भी ये सब जानने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस वहाँ पे गई थी कोर्स और गिव अवे के लिए। तो अगर इंडिया में भी ऐसे लोग सर्च करना शुरू कर देंगे जो भी टीम जीतती है, तो ऑटोमेटिक ई स्पोर्ट राइज करना शुरू हो जाएगा। और वो कैसे, जब भी कोई टीम जीतेगी या फिर कोई प्लेयर जीतेगा ऑफिशियल टूर्नामेंट को, और जब लोग उसको सर्च करने लगेंगे कि ये कौन है, और उसको फिर सर्च करके एक साथ इतने सारे लोग उसको जब सब्सक्राइब करेंगे, तो उसको वहाँ पे एक पहचान मिलेगी जो वो डिजर्व करता है, और इसके साथ उसको ढेर सारी एक्टिव ऑडियंस भी मिलेगी जो उसको सपोर्ट करेगी। अब एक ई स्पोर्ट प्लेयर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अब यहाँ पे दूसरा साइड भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस की गलती नहीं है, गलती ई स्पोर्ट प्लेयर्स की भी, और वो कैसे ये भी मैं समझाता हूँ। ई स्पोर्ट प्लेयर यहाँ पे गेम प्ले पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इवन अपना 100% देते हैं, और वो देना भी चाहिए, लेकिन एक कमी छोड़ देते हैं, वो ये है कि वो खुद को एक्सपोजर नहीं देते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि प्रैक्टिस में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे आप प्रैक्टिस भी करो और उसके साथ साथ आपको कंटेंट भी मिलता जाए। अब उसमें क्या कंटेंट हो सकता है, लाइव स्ट्रीम करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर इसका दूसरा अल्टरनेट है
टूर्नामेंट हाईलाइट डाल सकते हो, जो कि आजकल बहुत सारे ई-स्पोर्ट प्लेयर कर भी हैं और वो बहुत अच्छी बात है। या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि जो तुम्हारी ई-स्पोर्ट स्क्वाड है उसके साथ कुछ तफरी करके मजाक करके व्लॉग्स डाल सकते हो या कोई चैलेंजेस डाल सकते हो। इन सब में हार्डली आधा घंटा एक घंटा लगेगा, तुमको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसी चीजें करोगे तो तुमको एक्सपोजर मिलेगा और जो ऑडियंस है उसको भी पता होगा कि भाई हमें अपने फेवरेट ई-स्पोर्ट प्लेयर को सपोर्ट करने जाना कहाँ है। अगर उसको एक जगह नहीं दोगे जहाँ के वो तुम्हें सपोर्ट करेगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी कैसे? तो भाई ई-स्पोर्ट के लिए ई-स्पोर्ट प्लेयर्स को थोड़ी और मेहनत करनी होगी, साथ साथ थोड़ी और ये सब एक्टिविटीज भी करनी होगी, तभी इंडिया में ई-स्पोर्ट राइज होगा। और मुझे ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं अगर वो अच्छा खेलने वाले ई-स्पोर्ट प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ दो बातें जो मैंने अभी बताई हैं, अगर ये फॉलो की जाए, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि इंडिया में ई-स्पोर्ट इतना तेजी से ग्रो करेगा फ्री फायर में कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ऑडियंस को चेंज होना पड़ेगा और थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे ई-स्पोर्ट प्लेयर्स को भी करना पड़ेगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक डाउट सबका क्लियर करूंगा कि ई-स्पोर्ट प्लेयर अगर ग्रो कर गए तो ऐसा क्या चेंज हो जाएगा कम्युनिटी? सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो ये होगा कि ऑडियंस का जो टेस्ट है कंटेंट को लेके वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑडियंस को अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट में जो अंतर है वो समझ में आने लगेगा। क्योंकि जब जो लीडर्स होंगे वो ई-स्पोर्ट प्लेयर्स होंगे जिनको गेम की इन डेप्थ नॉलेज है, वो अगर कम्युनिटी को लीड करेंगे तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ई-स्पोर्ट प्लेयर्स का ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो की पॉइंट जो मैंने बताए हैं, अगर ये फॉलो किए जाएंगे तो ई-स्पोर्ट इंडिया में ग्रो करना ही करना है। सबसे पहला की पॉइंट था यहाँ पे कि जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है या फिर ऑफिशियल टूर्नामेंट जीतती है उनमें टीम के बारे में यूट्यूब पे हम सर्च करना शुरू करें और उनमें जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करें, और एट द सेम टाइम जो ई-स्पोर्ट प्लेयर्स हैं वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के यूट्यूब पे थोड़े बहुत कंटेंट भी डालना शुरू कर दें, क्योंकि ताली दो हाथ से ही बजती है। इसी तरीके से ऑडियंस और जो ई-स्पोर्ट प्लेयर्स हैं इनको थोड़े एफर्ट्स करने होंगे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड 1 यहाँ पे ई-स्पोर्ट टॉक का? अगर आप लोग को अच्छा लगा और चाहते हैं कि अभी भाई एपिसोड 2 भी लेके आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ई-स्पोर्ट टॉक का एपिसोड 2 भी हम लोग को चाहिए है। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके कर लिएगा ऑल पे सेट, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर फैमिली।